अगर पूरे देश में किसी नेता को सबसे ज्यादा धमकी दी जा रही है पिछले कुछ सालों में तो वो योगी आदित्यनाथ है। मगर भारत के इतने बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और उसके मुख्यमंत्री को कोई सरेआम बम से उड़ा देने की धमकी दे तो ये कोई छोटी बात नहीं। वही दूसरी तरफ चौंकाने वाली बात तो ये है कि धमकी देने वाले का नाम अनिरुद्ध पांडे है और वो खुद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एबीवीपी का पूर्व लीडर बताता है, भाजपा युवा मंडल का अध्यक्ष बताता है और शायद इसी वजह से चारों तरफ सन्नाटा है। अब चाहे वो देश की चहेती मीडिया हो या फिर भक्त, तो क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों भाजपा के अंदर के ही आदमी ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंगुल इरम। लगता है अब भाजपा सरकार के अच्छे दिन लद गए हैं और अंदरूनी कलह उरूज पर है। सीएम योगी से भाजपा अब पल्ला झाड़ना चाहती है तो वहीं जनता भी कुछ खास खुश नहीं है योगी से। योगी की बुलडोजर नीति ने क्या मुस्लिम क्या हिंदू सबको एक तरफ से बुलडोज कर दिया और अब तो भाजपा समर्थक बोले या कार्यकर्ता या बीजेवाईएम अध्यक्ष, ये भी सीएम योगी के पीछे है और उन्हें मार देने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अनिरुद्ध पांडे को अब प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिरुद्ध पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धमकी दी थी कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिनों के अंदर बम से उड़ा देगा, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा भी चलाया जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर यहां पर शायद अनिरुद्ध पांडे की जगह कोई अब्दुल्ला होता तो अब तक वो आतंकवादी या आतंकी सिद्ध कर दिया गया होता। मीडिया उसके नाम पर तमाशा लगा के बैठती और नफरत की दुकान जोरों शोरों से चलती। मगर अनिरुद्ध पांडे के मामले में शायद नस्ल और धर्म बीच में आ गए, इसलिए इत्मीनान से सब बैठे हुए हैं। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स मुसलमान नहीं निकला, शायद इसी वजह से अब किसी को खतरा महसूस नहीं हो रहा है। आपको बता दें, जब पूछताछ में अनिरुद्ध पांडे से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों लिखा तो वो बताता है कि उसने ये सब फेमस होने के लिए किया था। सुन रहे हैं आप? तो भाई सवाल अब ये उठता है कि एक सख्त छवि रखने वाले, कड़े फैसले लेने वाले बुलडोजर बाबा जिनकी जान पर बात बनाई है, क्या वो अनिरुद्ध के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे या नाम और धर्म देखकर केवल सियासत चमकाई जाएगी और बुलडोजर को खामोश कर दिया जाएगा? दोस्तों, ऐसे ही मामलों में राजनीति और मीडिया का दोहरा चरित्र सामने आता है। अनिरुद्ध पांडे के नाम पर जो चुप्पी, जो सन्नाटा छाया हुआ है, न्यूज चैनल्स में कोई तांडव नहीं हो रहा, डिबेट में गाली गलौज नहीं हो रही है, नफरत नहीं फैलाई जा रही, एक नॉर्मल केस की तरह इसे हैंडल किया जा रहा है, जैसे बहुत ही ज्यादा सेक्युलर रही हो हमारी मीडिया हर केस में। और यहां तो आरोपी हिंदू होने के साथ साथ भाजपा का भी सदस्य है, युवा मोर्चा मंडल का अध्यक्ष बता रहा है खुद को। ऐसे में तो बीजेपी आईटी सेल अब तक अपने ट्वीट से इसकी बैंड बजा चुकी होती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सरकार और उससे जुड़ी मीडिया के दोहरे रवैये पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।